हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक रिएक्शन की वीडियो है और हम देंगे आपको पाकिस्तानी मूवी की ट्रेलर का रिएक्शन और फिल्म का नेम है आज़ादी। और पहले हम देखेंगे मूवी का ट्रेलर और फिर मेरा रिएक्शन, उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले मूवी का ट्रेलर और फिर मेरा रिएक्शन। तुम मेरी जिंदगी में कुछ पल के लिए उस चांद की तरह शामिल हो जो गुलामी की रात में निकलता है। कई सालों तक ये जिंदगी तुम्हारी याद के हवाले किए रखी, अब ये जिंदगी चाहत के हवाले कर चुका हूँ। रिश्तों से मेरे बरसों के पास ले थे, हम रिश्तों को नए नए आज से जोड़ते हैं। मैं उससे मिलकर उसे सब कुछ बता दूंगी। इतना सोनापन, इतनी खामोशी क्यों है? तुम्हारी इन पेंटिंग्स पे रंग क्यों नहीं है? आजाद कहाँ है? कश्मीर की आजादी के लिए लड़। आज तुम में ना होने का कोई दुख नहीं है मुझे, क्योंकि मैं अपना फर्ज निभा चुका हूं। ये ख्वाब देखा था मैंने कश्मीर की आजादी का। अपने मिशन को आखिरी हद तक लेके चलना होगा आपको। माने ने सारा, मैं आजाद का इंटरव्यू करने आई हूँ। जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक पीस लविंग इंसान थे। किसी जगह के मुकीत नहीं होते। जब भी अगर सच्चे हो तो सात समंदर पार भी जिसको कल तक दुश्मन नहीं होता। अगर उन्होंने सरेंडर न किया तो हम उनके तमाम बस्तियों को शमशान घाट बना देंगे। कश्मीर की आजादी 19,30,00,000 लोगों की आवाज है, ये इतनी आसानी से बंद नहीं होगी। वो टेररिस्ट नहीं है, वो चाहे थे वो। अब हम जागेंगे, आजादी की सुबह तक जागेंगे। अगर सोए भी तो शहादत की बाहों में सोएंगे। तुम सब तैयारी करो। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के हवाले से और फिर हम बात करेंगे इस ट्रेलर के हवाले से। जैसा कि आप लोगों ने मेरे साथ देखा मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन, और हम बात करते हैं इस मूवी के हवाले से। आज़ादी मूवी का ट्रेलर था। ये पाकिस्तानी एक्शन एपिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो कि बेस करती है आज़ादी के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर की आज़ादी के ऊपर ये फिल्म बेस करती है। और जैसा कि आपको ट्रेलर देखने के बाद ही आइडिया हो गया होगा इस फिल्म की जो पूरी कहानी और जो स्टोरी वगैरह जिस हिसाब से ट्रेलर के अंदर दिखाई गई है, तो काफ़ी हद तक वाजे हो रही है ये बात। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इमरान मलिक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है इरफान मलिक एंड इमरान मलिक ने, और इस फिल्म को लिखा है इमरान मलिक ने, और इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है वाजिद जुबेरी ने। और जो है इस फिल्म की स्टार्टिंग में लीड कास्ट पे हैं मोहम्मद राना, सोनिया हुसैन और नदीम बेग इस फिल्म की लीडिंग कास्ट पे हैं। और इस फिल्म का जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है साहिर अली बागा ने, और सिनेमाटोग्राफी जो है वो है बीन
जेस्पर की है, और जो इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है परवेज मलिक फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ARY फिल्म्स। और ये फिल्म रिलीज़ होगी जून के अंदर ईद उल फितर पे, यानी कि आपको ईद का तोहफा मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, ईद पर होगी ये फिल्म रिलीज़। और इस फिल्म की लैंग्वेज जो है वो है उर्दू है। तो जी फ्रेंड्स, ये थी बात इस मूवी के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से। जैसा कि आप लोगों ने मेरे साथ देखा मूवी का ट्रेलर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक था, और देखने से ये आइडिया हो रहा है कि ये फिल्म काफ़ी धमाके करेगी, काफ़ी ब्लास्ट करेगी और बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत कमाएगी और बहुत ज़्यादा फेमस होगी और बहुत लोग इसको पसंद करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट किस्म की स्टोरी है और काफ़ी जो है एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है जो मुद्दा इन्होंने उठाया है इस फिल्म के अंदर, बहुत ही कमाल का है। और जो इस तरह के जो टॉपिक पर फिल्म्स वगैरह होती हैं वो काफ़ी फेमस होती हैं, काफ़ी चर्चा में रहती हैं और काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं और लोग देखते हैं और इस तरह की फिल्म्स वगैरह चलती हैं काफ़ी, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट पर है और जो कि लोग देखना चाहते हैं कि अलग अलग किस्म की मूवीज़ हों। और जो पाकिस्तानी मूवीज़ होती हैं आजकल जो बन रही हैं बहुत ही कमाल की, आउटस्टैंडिंग बन रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा शौक से देख रहे हैं। एक वक्त आया था कि पाकिस्तानी सिनेमा का जवाल आ गया था, लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होते जा रही है, तो एक 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 करके स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तानी जो फिल्म्स हैं वो तरक्की कर रही हैं और जो कि अच्छा काम कर रही हैं, जो नए लोगों के साथ पुराने लोगों को मिलाकर जो काम निकलवाया जा रहा है वो बहुत ही कमाल का है। जैसा कि आप इस फिल्म में भी देख सकते हैं, नदीम बेग हमारे पुराने एक्टर हैं जो कि मंझे हुए कलाकार हैं बहुत ही कमाल के, और उनके लाख करोड़ों चाहने वाले हैं। और मोहम्मद राना भी न्यू नहीं है, इनको भी बहुत लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं। जैसे कि इसमें फिर हीरोइन जो है वो ज़्यादा फेमस नहीं है, या कह सकते हैं न्यू है, और बाकी जो कास्ट वगैरह है काफ़ी न्यू मिक्स और पुरानी ओल्ड मिलाकर है, ताकि जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो बहुत ही कमाल का है। और जैसा कि ट्रेलर देखने के बाद आइडिया हो रहा है कि फिल्म बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होगी, ट्रेलर एक्शन से भरपूर है और इसमें लव स्टोरी छुपी हुई है थोड़ी बहुत, और उसके बीच में मसाला मिक्स और जो फाइटिंग और जो जंग और बगावत और कश्मीर की आज़ादी उसका एक टॉपिक, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की डिफरेंट किस्म की ये फिल्म है और लोग बहुत ज़्यादा शौक से देखेंगे और पसंद करेंगे। ये ट्रेलर मुझे पसंद आया पर्सनली, काफ़ी अच्छी जो है तौर पे शूट किया गया है, काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लग रहा है और डायलॉग और जो कि फिल्म की स्टोरी वगैरह काफ़ी यूनिक और मज़ेदार किस्म की लग रही है। ओवरऑल ट्रेलर अच्छा था, इंटरेस्ट था। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन, उसके बाद दिया हमने आपको शॉर्ट रिव्यू इस फिल्म के और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। और अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। See you in next video. Thanks for watching.